मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की श्रृंखला है जो मंच पर खड़ी होती है तो छाती ठोक के बोलती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया। लेकिन आदिवासियों के नाम पर चलने वाले राजनीतिक दल कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलेंगे कि आदिवासियों को हमने कैसे लूटा, आदिवासियों के विश्वास के साथ हमने कैसे विश्वासघात किया। आदिवासियों के साथ बात करते करते उन्होंने अपने घर भरे, यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये सारे काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे रघुवर दास जी ने मानकी पंचायत प्रमुख को 3,000 रुपए देने का तय किया, मुंडा ग्राम प्रधान को 2,000 रुपए देने का तय किया और सारे ग्राम के हमारे पदाधिकारियों को 1,000 रुपए देने का काम किया। कभी किसी ने सोचा था ये काम क्यों नहीं कर पाई कोई सरकार पहले? क्यों नहीं चिंता कर पाई? क्यों नहीं आदिवासियों के दर्द को समझ पाई? क्योंकि उनको हेमंत सोरेन की तरह अपनी जमीन और लीज का मामला याद आता था और कोई याद नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। आज बहुत खूबसूरती से बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन के सरकार के बारे में बताया है। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं तंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।